अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज की भी हमारी वीडियो मलाई कैंट के बारे में ही है, और ये मेरा सबसे मोस्ट पीसफुल और मोस्ट फेवरेट एरिया है मलाई कैंट में। ये बेसिकली CMH हॉस्पिटल की तरफ है, और आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके के आउटलेट्स देखेंगे। यहाँ पर आउटफिटर्स भी है, यहाँ पर डंकिन डोनट्स भी है, और यहाँ पर कौन कौन से आउटलेट्स हैं उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। अच्छा, तो ये आप शील पेट्रोल पंप देख रहे होंगे, उससे पहले CMH हॉस्पिटल आता है, कैंट का वो हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल है, अगर आप एमरजेंसी वगैरह के लिए जाना हो तो वो CMH का है। लेकिन इसका भी मैं कभी रिव्यू दूंगी, अक्सर तो वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। एनीवेज़, अब ये आप देख रहे हैं, ये डंकिन डोनट्स है। इसकी डाइनिंग इंडोर भी है और आउटडोर डाइनिंग भी है, आप बाहर भी बैठ के आराम से अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो है वो मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर सारी मेडिकल की फील्ड्स अवेलेबल हैं एज़ पर माई नॉलेज। अच्छा, अब ये आप देखें, ये खादी का आउटलेट है, और ये बहुत अच्छा आउटलेट है, यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। और इसकी आप एंट्रेंस चेक करें, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ग्रीनरी का तो कोई मुकाबला नहीं है कैंट की ग्रीनरी से। और ये खादी की एंट्रेंस है जो मैं वॉक कर रही हूँ। अच्छा, तो ये है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेरे पास इसके भी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मैं इसका किसी दिन आपको कंप्लीट टूर दूँगी। अच्छा, तो ये फैल्कन स्ट्रीट है, और ये मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेंट बन रहा है, लेकिन ये शायद अभी पूरी तरह लॉन्च हुआ नहीं है। उसी के साइड में हारीज़ बना हुआ है, हारीज़ के भी इंडोर डाइनिंग सेटअप भी है और आउटडोर डाइनिंग सेटअप भी है। अगर आप उसने हारीज़ का रिव्यू पूछेंगे तो हारीज़ जैसे हारीज़ की जो ब्रांचेस कैंट के बाहर हैं उनके तो बर्गर्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जितनी दफ़ा भी हम हारीज़ गए हैं हमारा कोई इतना ज़्यादा खास अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। लेकिन एज़ पर एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है, और ये भी यहाँ पर डील भी चल रही है हारीज़ की। ये आप देख सकते हैं हारीज़ का इंटीरियर एंड एम्बियंस। और हारीज़ के बिल्कुल साइड में मिनी माइनर्स है, और मिनी माइनर्स के साइड में स्टाइलो है। स्टाइलो बेसिकली कैंट में अभी ही खुला है, इससे पहले स्टाइलो नहीं था। यहाँ पे एक दो कोई और आउटलेट्स है जिनका नेम मैं भूल चुकी हूँ अभी। अच्छा, मैं अब कैंट की आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखती हूँ। जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कभी कैंट मूव होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग मूव होइएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। अगर आप कराची की सिचुएशन को देखें, सेफ्टी की अगर बात की जाए तो कैंट की सेफ्टी का कोई मुकाबला नहीं है, इट्स अनमैचेबल। क्योंकि इसकी सिक्योरिटी आपको पता है, सारे पैसे ही सिक्योरिटी के हैं, जितना ये एक्सपेंसिव एरिया है। यहाँ इस कैंट जैसा लाइफस्टाइल भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप आराम से कभी भी अपनी मर्ज़ी से साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि इस टाइम आप बाहर क्यों हैं, या कोई आपको डर नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता कोई स्नैचिंग हो जाए या कुछ भी। तो सिक्योरिटी वाइज कैंट इज़ द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ गाइस।